एस जी ग्रामर स्कूल जमात अव्वल मज़मून उर्दू सबक नंबर तीन उनवान नेक बच्चा बच्चों सफ़ा नंबर बारह खोलिए उसमें इस चैप्टर की बुलंद ख़्वानी कीजिए थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को स्टॉप कीजिए और पहले अपने चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर इसके ख़ुलासे को सुनिए ताकि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आ जाए खुलासा शाम का वक्त था सारे बच्चे गली में खेल रहे थे कि अचानक वहाँ से एक अंधी बुढ़िया का गुज़र हुआ जो चलते चलते एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ी बच्चों ने बुढ़िया को गिरते देखा तो खूब हंसे और मज़ाक उड़ाया लेकिन इनमें एक बच्चा ऐसा भी था जिसने बुढ़िया का मजाक ना उड़ाया वो दौड़कर बुढ़िया के पास पहुंचा और उसके कपड़ों को झाड़कर उसे सहारा देकर उठाया और उसे उसके घर तक छोड़कर आया बुढ़िया ने इस नेक बच्चे को बहुत दुआएं दीं प्यारे बच्चों क्या आप जानना चाहेंगे कि वो नेक बच्चा कौन था वो अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे सबक इस खुलासे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार के बारे में पता चलता है कि आप अलैहि वसल्लम किसी के साथ भी बदसलूकी नहीं करते थे और हमेशा लोगों के साथ रहम का मामला रखते थे प्यारे बच्चों हमें भी चाहिए कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए हमेशा दूसरों की मदद करें और उनके काम आएँ सरगर्मियाँ सवाल जवाब बच्चों ये टेक्स्ट का काम है जो आपने टेक्स्ट पोर्शन में करना है ये सवाल जवाब जो आपको स्लाइड में नज़र आ रहे हैं जो मैं करवा चुकी हूँ उसमें वो आप लोगों ने अपनी कॉपी में करना है सवाल नंबर एक बच्चे गली में क्या कर रहे थे जवाब बच्चे गली में खेल रहे थे सवाल नंबर दो बुढ़िया क्यों गिर गई थी जवाब बुढ़िया अंधी थी इसलिए पत्थर से ठोकर खाकर गिर गई थी सवाल नंबर तीन नेक बच्चे ने बुढ़िया से क्या कहा जवाब नेक बच्चे ने बुढ़िया से कहा कि अम्मा आपको कहाँ जाना है आइए मैं आपको घर छोड़ छोड़ाऊँ सवाल नंबर चार बुढ़िया ने बच्चे को क्या दिया जवाब बुढ़िया ने बच्चे को बहुत सारी दुआएं दी सवाल नंबर पाँच वो नेक बच्चा कौन था जवाब वो नेक बच्चा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम थे नोट बच्चों ये सवाल जवाब आप लोग अपनी किताब में हल करेंगे कवायद का काम बच्चों ग्रामर का पोर्शन आप लोगों ने अपनी कॉपी जो कि टेक्स्ट की कॉपी है उसी के बीच में पोर्शन का बनाकर आप लोगों ने करना है काम जैसा कि हम पहले स्कूल में भी कर चुके हैं पोर्शन बनाइए और उस हिस्से में कवायद लिखकर और उसके आगे जो ग्रामर का काम कॉपी में करना है वो कॉपी में और जो किताब में करने का होगा उसे किताब में कीजिएगा सफ़ा नंबर पंद्रह सवाल नंबर दो दिए हुए अल्फाज में आखिरी हरूफ के बाद वाव नून गाँ लगा कर जमा बनाइए जैसे घर जमा वाव नून गुना बराबर है घरों फूल जमा वो बराबर है फूलों दुकान जमा बराबर है दुकानों इस सवाल को किताब में आगे अपने आपने ख़ुद मुकम्मल करना है होमवर्क सफ़ा नंबर सोलह में सवाल नंबर तीन किताब में हल कीजिए सफ़ा नंबर सत्रह में सवाल नंबर चार किताब में मुकम्मल कीजिए सफ़ा नंबर उन्नीस में खुशखती कीजिए बच्चों हमारा आज का ये येवान यहाँ पर अख्ताम पजीर होता है इन शह नक्स्ट स्लाइड में मुलाकात होगी तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफि इस्टे होम इस्ट सेफ